मेरा नाम संदीप अग्रवाल है, मैं विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। विदर्भ पेरेंट्स एसोसिएशन की ओर से हमने नो स्कूल नो फीस की मुहिम आज से 30 दिन पहले चालू की थी। लॉकडाउन के पीरियड में हम सभी अपने घरों में कैद थे। 3 महीने से सभी की आर्थिक हालत पूरी तरह खराब थी। ऐसी स्थिति में अचानक 31 मई से सर्कुलर आने चालू हो गए स्कूल वालों के, कि उन्होंने कहा कि आप लोग तुरंत पैसा भरे और हम लोग ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं। पहली बात तो कोई भी स्कूल का जो सत्र चालू होता था वो 26 जून के बाद स्कूल खुलना चालू होता था, लेकिन इस बार अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने 31 मई को ये सबको SMS करना चालू कर दिया, फोन करना चालू कर दिया कि हम ऑनलाइन क्लासेस चालू कर रहे हैं और आप फीस भरो, अगर फीस नहीं भरेंगे तो हम आपको ऑनलाइन का लिंक नहीं देंगे। पहली बात तो लॉकडाउन के दौरान इस प्रकार की जो हरकत है वे गलत है। कारण गवर्नमेंट के क्लियर अध्यादेश है, गवर्नमेंट के क्लियर सर्कुलर है कि लॉकडाउन के दौरान किसी भी प्रकार की पुरानी बकाया फीस या किसी भी प्रकार की नई फीस के लिए आप पालकों पे कोई भी प्रकार का दबाव नहीं डालेंगे, फोन नहीं करेंगे, SMS नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इन लोगों ने पहले पालकों को परेशान करना चालू कर दिया। यही सब चीजें देखते हुए जब हमने नो स्कूल नो फीस की मुहिम नागपुर से चालू की थी, धीरे धीरे ये जो मुहिम है राष्ट्रीय स्तर पे उठ चुकी है। आज हर शहर में हर गांव में नो स्कूल नो फीस के बैनर लेके लोग आंदोलन कर रहे हैं और स्कूल वालों की जो दादागिरी चल रही है, जो रंगदारी चल रही है, जिस टोन में वो पालकों को बात करते हैं कि आप फीस नहीं भरेंगे तो हम आपके बच्चे को स्कूल से निकाल देंगे, मैं पूछना चाहता हूँ कि हम लोग भी स्कूल को इतने सालों से लगातार फीस देते आ रहे हैं, हम भी उनके वैल्यूएबल कस्टमर है, तो क्या आज तक के कोई स्कूल संचालक ने ऐसी कभी पेशगी की कि नहीं कि पेरेंट्स आर दी वैल्यूएबल कस्टमर और ही शुड मीट अस? नहीं, कोई भी संगठन से या कोई भी पालक से कोई भी स्कूल संचालक ना मिलना चाहता है ना प्रिंसिपल मिलना चाहती है। यहाँ तक पालक कोई सवाल करना चाहता है, कुछ एप्लीकेशन देना चाहता है तो कुछ भी लिया नहीं जाता, बोलते हैं कि हमारा स्कूल बंद है, लेकिन फीस लेने के लिए, कॉपी किताबें बेचने के लिए जो स्कूलें इन्होंने चालू करके रखी है। और ऑनलाइन एजुकेशन एक प्रकार से फीस वसूली का बहुत बड़ा हटकंडा है। क्या मैं आप लोगों के माध्यम से जानना चाहता हूँ, ऑनलाइन एजुकेशन क्या फिजिबल है? क्या नर्सरी के बच्चों को आप कैसा ऑनलाइन एजुकेशन देंगे, छोटे बच्चों को आप कैसा देंगे? ठीक है, आप ऑनलाइन के नाम पे शहरों में बात कर रहे हैं, आज भी जो भारत है 78% भारत जो है ग्रामीण इलाकों में बसता है, उन बच्चों को क्या शिक्षा का लोकतांत्रिक अधिकार सभी बच्चों को है, ना कि शहर के ना ग्रामीण के। जो राइट टू एजुकेशन में 10% बच्चे इनके स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्या उन बच्चों को स्कूल संचालक मोबाइल दिलाने वाले हैं? क्या उन बच्चों को सरकार मोबाइल दिलाने वाली है? और ऐसा कौन सा सरकारी आदेश आ गया है कि आप ऑनलाइन एजुकेशन चालू कर दो? मैं इनसे ही जानना चाहता हूं, सरकार अभी ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम पर विचार कर रही है कि इस महामारी के समय किस प्रकार का अच्छा एजुकेशन बच्चों को दिया जाए, उस पर अभी विचार चालू है, नीति बनना चालू है, लेकिन उसके पहले ही इन्होंने हथकंडा खेल दिया क्योंकि इनको फीस वसूली की गई है और ऑनलाइन एजुकेशन का हथकंडा करके पेरेंट्स को इस समय आर्थिक रूप से खोखला कर रहे हैं। कारण कैसा है कि कैसा भी आदमी रहे, मध्यम वर्गीय रहे, अपर मिडिल क्लास रहे, बच्चों के एजुकेशन के नाम पे वो कुछ भी करेगा, पहली कर्जे में डूबा हुआ है, लेकिन अब बच्चे के भविष्य का डर उसको रहता है तो वो डर से बेचारा एक और कर्जा ले रहा है और कैसा भी करके अपने बच्चे को फीस भर रहा है। इस लॉकडाउन के दौरान मोबाइल जानबूझ के बेचारे को खरीदना पड़ रहा है, तो ऐसा आर्थिक संकट स्कूल वाले उसको दे रहे हैं, सरासर गलत है और हम VPA के द्वारा इसका पुरजोर विरोध करते हैं।